रहता है, तो वो ग्रिप वाला क्या होता है, ग्रिप को प्रॉपर तरीके से ये थोड़ा सा, तो ये रुकता नहीं है, ये इस तरह से घूमता रहेगा अपने स्पीड में। सर्जर मैकेनिकल पर आपका स्वागत है, और आज मैं बात करने वाला हूँ क्लच प्लेट के ऊपर। जब भी आपका क्लच प्लेट खराब हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपका जो गाड़ी होता है, गाड़ी के अंदर बहुत तरह तरह का प्रॉब्लम निकलने लगते हैं, जैसे कि क्लच हार्ड हो जाता है, या फिर गियर आपका जड़ गिरने लगता है, यानी कि हार्ड गिरने लगता है। कभी कभी केस में क्या होता है, पिकअप भी पूरा तरह से लॉस हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम होता है वो आता कहाँ से है, तो उसके ऊपर हम बात करने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम निकल के कहाँ से आता है, और कहाँ से क्लच प्लेट जो होता है डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके कारण से आपका पिकअप और माइलेज का प्रॉब्लम आने लगता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो बने रहिए। पहले आपको एक चीज़ समझना होता है, ये क्लच प्लेट काम क्या करता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है इंजन का जो पावर होता है वो ट्रांसमिशन तक यानी कि गियर तक भेजने का काम करता है ये। तो अगर आपका क्लच प्लेट ख़राब होता है, जब भी केस में अगर आपका क्लच प्लेट ख़राब हो गया, तो आप देख सकते हैं इस तरह से अगर आपका क्लच रहेगा आपके कार के अंदर, अगर इस तरह से हो गया रहेगा, तो सबसे पहले तो ये जब इस तरह से होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो जो ये क्लच है, जो इंजन का जो पावर होता है, इंजन का पावर जो है वो गियर बॉक्स से या ट्रांसमिशन के पास तक नहीं भेज पाता है, जिसके कारण से क्या होता है, वहाँ पे जो गियर बॉक्स का जो पावर होता है वो गियर बॉक्स के पास रह जाता है, और जो इंजन का पावर है वो इंजन के पास ही रह जाता है, और जो पीछे वाला जो टायर होता है, जो पीछे वाला जो पहिया होता है, उसको घुमाने के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत होता है। तो ये तो जो इंजन होता है वो इंजन तो प्रॉपर तरीके से भेज नहीं पाता है उसको, और इंजन के जब भेज नहीं पाता है तो ट्रांसमिशन में पावर आता नहीं है। अब जितना ट्रांसमिशन का जो पावर रहता है उसी के हिसाब से पीछे वाला जो पहिया होता है घूमते रहता है। जब भी गाड़ी को आप ड्राइविंग करेंगे तो उस समय क्या होगा, ना गाड़ी में आपका पिकअप रहेगा ना माइलेज रहेगा, क्योंकि जो इंजन का जो पावर होता है, इंजन का पावर तो ऑलरेडी डिस्कनेक्ट कर रहा है ये क्लच प्लेट ऑलरेडी डिस्कनेक्ट कर दे रहा है ये, तो आपकी गाड़ी में पावर किधर से मिलेगा, माइलेज किधर से होगा गाड़ी में। तो इस तरह से ये काम करता है क्लच। तो अभी हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जो कि गियर जब हार्ड होता है, जब भी आपका गियर जब जड़ लगने लगता है या फिर हार्ड लगने लगता है, तो उस समय भी कारण यही रहता है, लेकिन इसको मैं उल्टे तरीके से आपको समझा रहा हूँ, यानी कि अभी इंजन के पास इंजन की तरफ से समझा रहा हूँ, लेकिन अभी जो समझाऊँगा आपको गियर बक्से की तरफ से समझाऊँगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जब इस तरह से आपका क्लच प्लेट रहेगा, तो जो आप क्लच दाबते हैं, ठीक है, क्लच अगर आप क्लच पुश किए, और पुश करने के साथ साथ में आप फर्स्ट नंबर गियर आप डाल देंगे, तो फर्स्ट नंबर गियर डालने के बाद क्या होगा कि आप गाड़ी को धीरे 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 आगे लेके जाएंगे, और आगे लेके जाने के बाद फिर सेकेंड गियर डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा रनिंग नहीं होता है, यानी कि आप सेकेंड नंबर पे भी डालते हैं तो ज़्यादा रनिंग गाड़ी का नहीं रहता है। जैसे कि जैसे आप रोड पे लेके जाएंगे, रोड पे जैसे लेके जाएंगे और थोड़ा सा स्पीड करेंगे, यानी कि 60 से लेके 80 के अगर बीच में आप चलते हैं, या फिर 40 से ऊपर जाएंगे, तो आपका जो आप फिर थर्ड गियर लगाएंगे, तो फिर उस समय क्या होगा, जो ये जो क्लच होता है, जब भी हम पैडल को पुश करेंगे उस समय, तो क्योंकि इसका जो रनिंग होता है तेज़ हो जाता है, यानी कि स्पीड होता है, स्पीड जितना आप स्पीड करेंगे उतना स्पीड ये घूमते रहता है, तो उस समय क्या होगा कि आपका जो आप पैडल, बाय द वे अगर आप जो क्लच पैडल है उसको आप उस समय पुश करके और तीसरा गियर डालेंगे, तो तीसरा गियर डालेंगे तो प्रॉपर तरीके से वो डल नहीं पाएगा, क्योंकि इसका जो स्पीड होता है, स्पीड जो रहेगा ये स्पीड ज़्यादा रहेगा, और उस समय क्या होगा कि ये जो क्लच है और या पैडल हम अगर पुश भी करते हैं, तो ये जो क्लच होता है, जो इसका रनिंग होता है, ये रनिंग आपका जो स्लो नहीं होगा, और जब स्लो नहीं होगा तो जो 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 गियर बक्से के अंदर का जो जो पार्ट होता है, या फिर ट्रांसमिशन के अंदर का जो पार्ट होता है, वो प्रॉपर तरीके से एक लेवल नहीं होगा, ताकि कि आपका जो गियर होता है वो प्रॉपर तरीके से इंगेज हो जाए। तो इसीलिए क्या होता है, इसका भी स्पीड ज़्यादा रहता है, और जो अंदर का पार्ट होता है उसका भी स्पीड ज़्यादा रहता है। जब स्पीड ज़्यादा रहेगा तो आपका गियर जो होता है प्रॉपर तरीके से इंगेज नहीं होगा। तो इस तरह से इसका भी सिस्टम काम करता है। तो बात कर लेते हैं जो पैडल का, पैडल हार्ड क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जब भी ये इस तरह से जल जाता है, यानी कि इस तरह से इसका जो लेदर होता है ख़राब होने लगता है, तो उस समय क्या होता है, ये हीटअप ज़्यादा रहता है, ये मतलब ज़्यादा जलने को ऐसे ज़्यादा हीटअप बनाता है, और साथ ही साथ इसका जो प्रेशर प्लेट होता है
जो इसका प्रेशर प्लेट होता है वो भी क्या होता है, वो हीटअप की वजह से वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है। जो उसका फिंगर होता है, जो बीच बीच में आप देखे रहेंगे, मेरा वीडियो है आप जाके देख सकते हैं, जो बीच बीच का जो फिंगर होता है वो फिंगर क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वो फिंगर हार्ड हो जाता है। अब हार्ड होने के कारण से आपका जो पैडल होता है, पैडल के ऊपर असर पड़ने लगता है, यानी कि पैडल आपका जो है हार्ड होने। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी साथ ही साथ प्रेस कर लीजिए ऐसे ऐसे टेक्निकल वीडियो रोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दिल से आप लोगों को थैंक यू।